Thank you, Khalid ji, for supporting this cause. Thank you very much. आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार. बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे इनिशिएटिव पे जो आसिफ भामला जी ने आज ही नहीं, मेरे ख्याल से हर साल करते हैं. एनवायरनमेंट डे है आज, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे है. और मैं आप सबको बोलना चाहूंगी, आपने शाम से यहाँ अलग अलग कार्यक्रम देखे होंगे और बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. जैसे कि मैंने अभी इस ग्रुप को देखा, बहुत प्यार से वो परफॉर्म कर रहे थे. यहाँ पे कोई भाषण देने नहीं आया है, लेकिन आपके सूझबूझ या जैसे उन्होंने कहा, थोड़ी अगर दिमाग की बत्ती जले तो हम ही हैं इस धरती के, हम ही हैं जो इस धरती को, धरती का ख्याल रख सकते हैं जो हमें दी गई है. जो जो प्रकृति ने आज हमें दिया है, उस उपहार को हमें संवारना है, सुधारना है, अपने आप को सुधारना है और आगे की पीढ़ियों के लिए एक बहुत ही खुशहाल जिंदगी और जीवन हम ही समर्पित कर सकते हैं. तो आज से ही छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में थोड़ा बर्ताव लाएं तो इस धरती के लिए, हम सब के लिए बहुत ही अच्छा होगा. धन्यवाद. थैंक यू. थैंक यू सो मच मैम. लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हर्ड रवीना जी स्पीक एंड देयर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हु इज नॉट वन, हु इज मेनी पीपल. एंड मैम ने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पे कोई भाषण सुनने नहीं आया, तो अपने अंदाज में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के लिए कुछ कह दीजिए. हाय गाइस, दिस इज डॉक्टर संकेत भोसले. आपने कभी भूले भटके मुझे देखा होगा, टीवी पर नहीं, यहीं बैंड्रा में कहीं. तो आज सारे एक्टर्स यहाँ पे आ नहीं पाए ये डे सेलिब्रेट करने, तो मैं कुछ एक्टर्स, उन्होंने मुझे भेजा कि गो एंड रिप्रेजेंट अस. यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा बढ़ेगा सर. सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा हम सभी के फेवरेट, यानी कि द बैंड्रा बॉय मिस्टर संजय दत्त. हेलो एवरीवन, आज की शाम कुछ ज्यादा ही खास है. खास मतलब कुछ पार्टी बीटी नहीं है. हाँ, खास यानी कि ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, एनवायरनमेंट मतलब नेचर. क्या क्या डे है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट, हाँ वही नेचर, नेचर हवा पानी, वो जो तुम लोग दिन रात खराब कर रहे हो. अरे दाढ़ी कर रहे हैं, नल चालू है, क्या नाटक है. ब्रश मार रहे हैं तो इधर नल चालू है, क्या नाटक कर रहे. ग्लोबल वार्मिंग सुने कि नहीं? उधर एंटार्क्टिका में बर्फ पिघल रहा है. बर्फ कितना जरूरी है मालूम है ना तुमको? ग्रेप जूस के लिए सर, ग्रेप जूस के लिए. मैडम प्लीज, मेरे बर्फ का टॉपिक डिस्टर्ब मत करो आप. बर्फ बहुत जरूरी है, पानी बनता है उससे और लगता भी अपने को. जोरदार ताले हो जाए बर्फ के लिए, जोरदार. कल को मेरा एक दोस्त, इधर दोस्त नहीं है मतलब ऐसे ही जान पहचान का, रवीना. हाय रवीना, हाउ यू डूइंग? लॉन्ग टाइम नो सी. कल को मेरा दोस्त इधर ही, रात को 3 बजे हम लोग गाड़ी में जा रहे थे, उतर के गया. मैं बोला क्या करके आया रे? बोला जाके आया जरा. मैं बोला रोड पे? बोलता हाँ. बोलता विद्या बालन बोल रहे जहां पे सोच वहां पे शौचालय. मैं बोला अबे गोचू, ऐसा नहीं है कि सोच लिया कि यहाँ पे शौचालय और कर दिया, ऐसा नहीं है. वो अलग सोच है, अपनी सोच बदलो. बोलो हाँ. वैसे बाबा वो आपका फ्रेंड वो 3 नाम वाला था क्या? नील नितिन नितेश. कौन सा? नील नितिन नितेश को. नील नितिन मुकेश. नील नितिन ज्यादा समझ में आते तो आप ही बोलो. मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आई एम अ बैंड्रा बॉय, आई लव माय बैंड्रा, आई लव महाराष्ट्र, आई लव इंडियन, आई लव ऑल. तो ध्यान रखिए अपना खुद का भी और नेचर का भी. थैंक यू. और कौन आया है हमारे साथ? डॉक्टर संकेत भोसले या और कौन आया है सर? हाँ, हम सलमान सर के पास आ रहे हैं. हम पहले फरहान आ रहे हैं यहाँ पे.
फरहान अख्तर यहाँ पर आ नहीं पाए सर, तो उन्होंने मुझे कहा कि थोड़ा एक मैसेज दे देना मेरी तरफ से, मैं उनका मैसेज लेकर आया हूँ कि हाय गाइस, हाउ आर यू डूइंग, इज गुड, हाय रवीना. You are going to be saying hi by like many characters tonight. Yeah. Main yeh kehna chahta hu ki save water, don't waste water. And everything comes in packets and it's a gift by God. So always use it. Uske liye gana dedicate kar raha hu main. Maaf kijiye, gala thoda kharab hai aaj. It's dedicated to environment, the mother nature. Ankit bhai, aapke liye. तो गाना ऐसा है, तुम हो तो गाता है दिल, गाता है तुम नहीं तो क्या है यहाँ, तुम हो तो हासिल तुम नहीं तो क्या है यहाँ, सलमान सर के पास आ रहे हैं. उसके पहले रणबीर कपूर. सलमान खान. सलमान सर खान. सलमान सर. वी आर स्टैंडिंग इन बांद्रा मैडम. आई विल गेट थ्रोन इन द ओशन. एंड आई रियली लव हिम. एंड रणबीर रणबीर कपूर सलमान सर आ रहे हैं, तो मैं निकल लेता हूँ. How can you leave, Raveena ji? अरे अरे, हमें आने में थोड़ा सा देर लगेगा, आप तो सटक गए यहां से. मैं ये बोलना चाहता हूं कि सर, आसिफ सर की बहुत बहुत तारीफ सुनी हमने. हर साल वो ये एनवायरमेंट डे करते हैं, यहाँ पे सबको बुला के सेलिब्रेट करते हैं. मुझे यकीन है कि ये धरती को बचाने के लिए काम आएगा, और मुझे यकीन है, क्योंकि यकीन एक ट्यूबलाइट की तरह होता है, जलता है, देर से जलता है. देखने में बोलिए ट्यूबलाइट इज लिट पे. थैंक यू सो मच. मगर इनके पीछे भी कुछ सितारे हैं जो पोगो के फैमिली से आए हैं. इनके लिए जोरदार ताली.